दिल्ली में संसद भवन के बाहर से पकड़ी गई लड़की हरियाणा की रहने वाली बताई जा रही है। नीलम आजाद सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी और हिसार में पीजी में रह रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नीलम आजाद को इससे पहले मई में नई दिल्ली में पहलवानों के आंदोलन के दौरान साक्षी मलिक की मां के साथ हिरासत में लिया गया था। उन्होंने 2020-21 में किसान आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी और उसका समर्थन किया था। नीलम किसान आंदोलन में शामिल भी हुई थी। नीलम आजाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पे और वायरल हो रहा है, जिसमें वो कांग्रेस के लिए वोट मांगती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी चल रही है तो हम सबको परिवर्तन करेंगे, या तो कांग्रेस को ले आएंगे या हम INLD को ले आएंगे। बीजेपी जितना क्रूर है, शायद दूसरी जो पार्टियां हैं वो इतना क्रूर नहीं है, वो थोड़ा बहुत जो गरीब किसान। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक अब नीलम की रिहाई की संयुक्त किसान मोर्चा ने मांग की है। किसान नेता ने रिहाई की मांग करते हुए कहा है कि नीलम पहले किसान आंदोलन से जुड़ी रही हैं, अब हम उनके साथ हैं। किसान नेता ने कहा कि नीलम ने बेरोजगारी से ग्रस्त होकर संसद पर हमले जैसा कदम उठाया है। न्यूज़ डेस्क।